नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारा प्राचीन इतिहास हम कंप्लीट करेंगे। हम लोग प्रागैतिहासिक बाद सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल, वैदिक के बाद आपका मौर्य काल आएगा, फिर मौर्योत्तर काल आएगा, फिर गुप्त आएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा। ऐसे सारे प्राचीन इतिहास हम कंप्लीट कराएंगे। प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास पर पहुँचेंगे और मध्यकालीन के बाद आधुनिक, इस तरह से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारा यह जो इतिहास की सामग्री है, यह हर परीक्षा के लिए है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हर परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक बात और बता दूं, यह जो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा रहा हूं, तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सारे प्रश्न इसमें होंगे। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंधु घाटी पढ़ाऊंगा तो सिंधु घाटी से संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे इसमें। वह सभी प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, वह सभी प्रश्न इसमें मौजूद रहेंगे। तो अगर आप 100% 100% तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। थॉमसन जो थे डेनमार्क के थे। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? लोहरादेव से। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिला है लोहरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, नौपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के किस स्थान पर प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से। भारत में जिस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा शिलाश्रय है? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका नामक पूरा स्थल स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका की खोज 1958 में की थी। किसने की थी भीमबेटका की खोज? बी एस वाकड़कर ने। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मतलब मेहरगढ़ वह स्थान है, पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ से पाषाण संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिला है? वह स्थान है आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। यह मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। उन्नीस सौ 1964 में आरबी जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित जिस शिलाश्रय से लगभग 25,000 पाषाणोपकरण प्राप्त किया था, आदमगढ़ शिलाश्रय की खोज किया था आरबी जोशी ने, और 25,000 पाषाणोपकरण प्राप्त किया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है भारत में। ताम्रास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र पाषाण संस्कृति चौथे खालखंड में पाई गई, जिसे कहा गया जोरबे संस्कृति। देखिए, पहली संस्कृति थी पाषाण, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नौ पाषाण काल, और जो चौथी संस्कृति जो थी वो ताम्र पाषाण काल थी। ताम्र पाषाण को जोरबे संस्कृति भी बोलते हैं। वह स्थल जहाँ से जोरबे संस्कृति चरण की सबसे व्यापक तस्वीर उभर कर सामने आती है, इनाम गाँव। वह स्थल जहाँ से जोरबे संस्कृति की सबसे व्यापक तस्वीर उभर कर सामने आती है, वह महाराष्ट्र में स्थित है, इनाम गाँव। दायमाबाद, चंदोली, निवासा, यह सभी जोरबे संस्कृति की हैं, जिसको ताम्रपाषाण संस्कृति भी बोलते हैं। जोरबे संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सारे सावधान किए गए हैं कलश में। हालांकि आप लोग जानते हैं जोरबे संस्कृति में जो अंतिम संस्कार होता था वह दफनाकर होता था। दफन हो जाते थे तो फिर कुछ दिन बाद जब केवल हड्डी ही शेष बचती थी तो फिर उसे एक कलश में रख देते थे। इसीलिए यहाँ लिखा है जोरबे संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सारे सावधान किए गए हैं कलश में। देखिए दोस्तों, समय का अभाव है और सारे फैक्ट कराना है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ बस। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नौपाषाण काल में। देखिए, यह जो मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी सुनना चाहते हैं तो इसमें सिस्टम होता है यूट्यूब में, वो भी कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे सुनना चाहते हैं तो वो भी सिस्टम होता है, वो आप कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से।
खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। देखिए खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, आग की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी, पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी। विश्वस्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, परंतु बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीनतम बस्ती पाई गई है जिसका समय है 700 ईसा पूर्व। कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई जिसके कारण कुंभकारी सर्वप्रथम परिलक्षित हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कुंभकारी भी परिलक्षित हुई थी और आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए यहाँ प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। नौ पाषाण काल जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। लेकिन यहाँ क्या है कि पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल जिसे निम्न पूरा पाषाण काल बोलते हैं, तो पूर्व पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक है, शायद 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9 लाख ईसा पूर्व तक है, और जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40000 ईसा पूर्व तक है, और जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक है। तो ये काल विभाजन है, बल्कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं इसीलिए मैं बता दिया हूँ वैसे ही आपको। देखिए उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल देखना है कि उच्च पूरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे उस समय, मतलब जो स्थल खोजे गए हैं वह कहाँ कहाँ खोजे गए हैं उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल। अफगानिस्तान में दो जगह है, एक है साधव नामक स्थल है, एक है लोहड़ी की पहाड़ियों में माइलस्टोन के 101 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान में साधव और लोहड़ी की पहाड़ियों में माइलस्टोन के 101 उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है। राजस्थान में बुद्ध पुष्कर जो है यह उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है। बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है, बेलन घाटी में चौपानी मंडो एक जगह है, उत्तर पूरा पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी में जो चौपानी मंडो है वहाँ पर उत्तर पूरा पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पशु के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, भगोर से एक धार वाले फलक, बेधक, त्रिकोण, असगंधित और दांतेदार प्लेट प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाले से मात्र देवी की अस्थि की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए बेलन घाटी में एक लोहदा नाला है, वहाँ लोहदी नाले से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, जो मातृ देवी की मूर्ति जो है अस्थि की बनी हुई है, हड्डियों की बनी हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोहदा नाला, बेलन घाटी, लोहदा नाला। आंध्र प्रदेश में दो स्थल हैं जो उच्च पूरा पाषाणकालीन हैं, एक है रेणुगुप्ता, एक है बेटमचेरला। तो रेणुगुप्ता से उपकरणों का बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। रेणुगुप्ता जो आंध्र प्रदेश में स्थल है वहाँ पर उपकरणों का बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है, और बेटमचेरला में हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो रेणुगुप्ता और बेटमचेरला दो स्थान हैं ऐसे। कर्नाटक में दो क्षेत्र है, एक है सोरापुर, दूसरा बीजापुर। वह दोनों जो क्षेत्र है सोरापुर और बीजापुर यह उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है। गुजरात में बिस्दी नामक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, बिस्दी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका में क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ नीले रंग के पाषाण प्राप्त हुए हैं, यह संभवतः रंग बनाने हेतु यहाँ पर ब्लेडों पर चित्रांकन भी प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर एक चित्र बनाया गया है, शिलाओं पर चित्र बनाया गया है मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जहाँ पर शिलाश्रय पर चित्र बनाया गया है। विंध्य क्षेत्र, यहाँ शिलाश्रयों के चित्र पश्चिमी यूरोप जैसे हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, महाराष्ट्र में इसको पटने भी लिखा है। तो पटने से सीधी व अंड कौचों के मन के प्राप्त हुए हैं, पटने से सीधी व अंड कौचों के मन के प्राप्त हुए हैं। यह जो मनके हैं या जो अंडे हैं, ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में कलावधि जिसमें मानव ने अग्नि की खोज की तथा मांस को पकाकर खाना प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में। पशुपालन की खोज जो हुई थी, पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, जो आग की खोज हुई थी ये नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में ही मानव मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? आखेट था, शिकार करना। मध्य पाषाण काल में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था आखेट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल जहाँ से मृगशीर्ष के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं पटने से। नौदा टेली किस राज्य में है? नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है। और नौदा टोली पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन 1952 से लेकर 1957 के बीच एच डी सांकलिया ने नौदा टोली के उत्खनन का नेतृत्व किया था एच डी सांकलिया। और नौदा टोली है मध्य प्रदेश में। राख का टीला किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से संबंधित है? संगम कल्लू। राख का टीला किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से संबंधित है? तो यह संगम कल्लू से संबंधित है राख का टीला। नवपाषाणकालीन पुरास्थल संगम कल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक प्रांत में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद है, वहाँ पर है यह संगम कल्लू। कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में। प्रागैतिहासिक युग को 5 खंडों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी का विकास, जीवन की उत्पत्ति का इतिहास, मानव का विकास कैसे, कहां तक, आदि, आज तक, जंगल से समाज तक, पाषाण युग। तो यह आप पढ़ लीजिएगा, यह प्रागैतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा जा सकता है ऐसे करके। यह आप देख लें, यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है इसको इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, देखिए जो प्रागैतिहासिक होता है, जो प्री हिस्ट्री पीरियड होता है, इसमें इतिहास से पहले का ज्ञान जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसे प्रागैतिहास की कोई लिपि नहीं होती, उपकरणों से जाना जा सकता है। जिससे देखिए इसमें ज्ञान को समझा नहीं जा सकता है, जाना जा सकता है उनकी संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, भाषा कैसी थी। जैसे होता है पाषाण काल, और जो पूरा पाषाण काल था या नव पाषाण काल था या ताम्रपाषाण काल था यह सब प्रागैतिहास के अंतर्गत आते हैं, जिनकी लिपि कोई नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। अब आता है आदि इतिहास काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसमें क्या होता है, इसमें लिपि भी होती है, भाषा भी होती है, लेकिन इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। जैसे है सिंधु घाटी सभ्यता। और एक है ऐतिहासिक पीरियड जिसे सिद्ध किया जा सकता है, दंत कथाओं के माध्यम समझा जा सकता है, जैसे महाजनपद काल, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल आदि। मानव कब्र एवं धान की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? ब्रह्मगिरी और कुलडीहवा से। देखिए ब्रह्मगिरी से मानव कब्र के साक्ष मिलते हैं, और धान की खेती के जो साक्ष मिले हैं वो कुलडीहवा से। कुलडीहवा जो संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जिस सावधान से प्राप्त हुआ है, बुर्जहोम से। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है।
गर्त निवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं गुफ कराल से, गुफ कराल से। गर्त निवास मतलब जमीन के अंदर रहने के प्रमाण मिले हैं गुफ कराल से। गुफ कराल भी जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित वह स्थल जहाँ से गर्त निवास मृदभांड और हड्डी के अनेक औजार मिले हैं। तो गुफ कराल और बुर्जहोम, बुर्जहोम में भी गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं और गुफ कराल से भी मिले हैं। ये दोनों जो स्थल है जम्मू कश्मीर में है। जबकि बुर्जहोम में एक चीज़ कामन है, बुर्जहोम में एक और साक्ष्य मिला है कुत्ते के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में जितनी भी खुदाइयाँ हुई हैं पूरा पाषाण काल की, तो वहाँ पर जो साथ सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है तो नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। और यह नर्मदा घाटी कहाँ था? यह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में नर्मदा घाटी से यह साक्ष्य मिला है जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है भारत में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले में नर्मदा घाटी पर जिस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है होशंगाबाद ज़िले के हथनोरा नामक जगह से नर्मदा घाटी पर यह साक्ष्य मिला है। मानव का यह पहला साक्ष्य है भारत में। अगले प्रश्न पे आइए। हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है इसे किस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है? हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है इसे किस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसे होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखा जाता है, होमो इरेक्टस। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग की खोज किया था एफ लेवी ने। चट्टानों की आयु गणना की जाती है यूरेनियम लेड विधि द्वारा। चट्टानों की जो आयु गणना विधि कि कौन सा चट्टान कितना पुराना है इसकी जो गणना की जाती है यूरेनियम लेड विधि द्वारा। वृक्षों की आयु गणना की जाती है वार्षिक वलियों की गणना द्वारा। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र पाए जाते हैं भीमबेटका से। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका जहाँ से शिलाओं पर चित्र बना हुआ है। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनित कर गड़ी मूर्तियों स्तंभों आदि के लिए भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिलाचित्र के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। जबकि चित्रकूट प्रसिद्ध है, तो चित्रकूट प्रसिद्ध है राम कथा से जुड़े तीर्थ स्थानों के लिए। तो यह उसे वैसे ही लिखा है जैसे उदयगिरी शिलाओं को उत्खनित कर गड़ी मूर्तियों स्तंभों आदि के लिए भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिलाचित्र और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, भीमबेटका शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे चित्रकूट क्यों फेमस है तो यह राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है, इसे ही बहुत लंबा में लिख दिया है। गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। प्रसाचाल कुलुथिक युग भी कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को। देखिए जो पहले आया पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद आया ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल को जोरवे संस्कृति भी बोलते हैं। और सुनिए, उसके बाद चाल कुलुथिक युग भी बोला जाता है, चाल कुलुथिक युग भी बोला जाता है इसको। सर्वप्रथम वह धातु जो औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी तांबा। सबसे पहले वह धातु जो खोज हुआ था जिस धातु का सबसे पहले, तो वह तांबा था। तांबा के बाद लोहे की खोज हुआ था। सबसे पहले वह धातु जो सबसे पहले उपयोग में लाई गई औजारों के रूप में उपयोग में लाई गई तो वह धातु थी तांबा। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष कहाँ मिले हैं ताम्र पाषाण काल में? चित्रित भांडों के अवशेष कहाँ मिले हैं ताम्र पाषाण काल में? देखिए, चित्रित भांडों के अवशेष जो मिले हैं ताम्र पाषाण काल में मिले हैं, और दूसर चित्रित भांडों के जो अवशेष मिले हैं यह आपके उत्तर वैदिक काल में मिले हैं। तो यहाँ चित्रित भांडों की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो चित्रित भांडों के अवशेष मिले हैं, मतलब एक है भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बनाया गया है ऐसा जो उदाहरण मिला है वो ताम्र पाषाण काल में मिला है। नौ पाषाणकाल के लोगों द्वारा अग्नि का प्रयोग किया जाता था तथा कुंभकारी दृष्टिगोचर हुई थी नौ पाषाण काल में। उच्च पुरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज अब तो उसका नाम परिवर्तित हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बेलन घाटी नामक बेलन एक नदी है, उसकी घाटी में मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यह जो मातृ देवी की मूर्ति है यह हड्डियों की बनी हुई है, अस्थियों की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है उच्च पुरा पाषाणकालीन
कालीन की, उच्च पुरापाषाण कालीन, बेलन घाटी बोलिए, बेलन घाटी को ही बहुत ब्राड कर दे रहा है तो लोहदा नाला, बेलन घाटी के लोहदा नाले से मध्य पाषाण कालीन स्तर जिसमें हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, महादहा, मध्य पाषाण कालीन स्थल जिसमें हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, महादहा। महादहा देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में तीन स्थान हैं, सराय, नहर राय, महादहा और दमदमा। यह जो तीनों स्थान है, जो तीनों क्षेत्र है, यह मध्य पाषाणकालीन है, यहाँ पर हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो सराय, नहर राय, महादहा और दमदमा, सराय, नहर राय, महादहा और दमदमा तीनों प्रतापगढ़ में हैं और तीनों स्थल जो हैं मध्य पाषाण काल के हैं और यहाँ पर आभूषण प्राप्त हुए हैं हड्डियों के। बुरजोम कश्मीर में स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 में किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन ने। भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ से पालतू भैंसों के साक्ष मिले हैं, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वह स्थल है जहाँ पर पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ से भैंस के साक्ष्य भी मिले हैं, पालतू भैंसों के। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब इसका अगला पार्ट देख लेंगे और दो पार्टें बनाएंगे। ये पहला पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा। इस तरह से दोनों पार्टों में पूरा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा। यह बात आप मन में बैठा लीजिए कि अगर आपने हमारे इस सामग्री को अगर आपने फॉलो किया है तो आप परीक्षा कोई भी हो उसमें 100% आपका प्रश्न सही होगा, अगर वह प्रश्न इतिहास का होगा। तो प्रागैतिहासिक काल के 100% प्रश्नों को समावेश करने का कार्य हमने किया है। यह पहला पार्ट है और यह दूसरा पार्ट आएगा। तो इन दोनों पार्टों में प्रागैतिहासिक काल के सभी प्रश्न आ जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोग को।